सब्सक्राइब पे करो हिट एंड लेट्स गेट फिट, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल चौहान, यू आर वॉचिंग मिशन इंडिया फिट. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं 2 या 3 वीडियोज हफ्ते में ज़रूर डालूंगा. सो आज का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा. टुडे वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू गेन मसल, हाउ टू गेन वेट, डाइट प्लान फॉर वेट एक्चुअली. सो गाइज, जब भी आपके दिमाग में ये बात आए कि वेट गेन या मसल गेन की बात आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि कैलोरीज, बॉडी बिल्डिंग, मसल गेन, फैट लॉस, ये सारी चीज़ें अराउंड रिवॉल्व करती हैं कैलोरीज के. इफ़ यू आर इन कैलोरीज डेफिसिट, यू लूज फैट. इफ़ यू आर इन कैलोरीज सरप्लस, यू विल डेफिनेटली गेन वेट, यू विल गेन वेट, यू विल गेट बिग. सो हमें कैलोरीज सरप्लस में रहना है, हमने हमारे बॉडी रेशियो के हिसाब से ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, जो हमारा बॉडी वेट है उसके हिसाब से हमने ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है, सो दैट वी कैन गेट मोर मसल, सो दैट वी कैन गेट वेट. सो गाइस, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ वो डाइट प्लान जो मैं खुद फॉलो करता हूँ. मैं आपके साथ सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द डाइट प्लान जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ फॉर मसल गेन, फॉर वेट गेन. सो गाइस, देखते रहिए वीडियो, आई विल बी बैक. सो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं जो मैं पर्सनली खाता हूं. गाइस, मैं उठता हूं 8 से 9 बजे. अगर मैं 8 बजे उठता हूं तो मैं प्रेफर करता हूं एग वाइट्स, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स. मैं खाता हूँ 6 से 7 अंडे जिसमें 5 एग वाइट्स होते हैं, 2 वोलेक्स और 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स इन 1 or 1.5 कप ऑफ स्किम्ड मिल्क मैं बना लेता हूँ गाइस मैशअप करके, और मुट्ठी भर भर के 10 से 15 बादाम या किशमिश या काजू मैं ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ. और फिर उसके बाद गाइस मेरा स्नैक होता है जो होता है बिटवीन माई ब्रेकफास्ट एंड लंच. उसमें गाइस मैं कंज्यूम करता हूँ एक प्रोटीन शेक या फिर अंडे या फिर पनीर, आप कुछ भी खा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बजट, डिपेंड कि आपको क्या पसंद है खाने में. आप पनीर खा सकते हैं गाइस, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर आप खा सकते हैं, आप 5 से 6 अंडे खा सकते हैं या 4 से 5 अंडे खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं. उसके बाद गाइस आता है हमारा लंच. लंच में जनरली मैं क्या खाता हूँ गाइस, लंच में मैं खाता हूँ 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस या वाइट राइस, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, ना ही कोई फ़र्क पड़ता है, आप कुछ भी खा सकते हैं, जितने मुंह उतनी बातें वाली बात है. सो गाइस, मैं खाता हूँ 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस, उसमें मैं ऐड करता हूँ 250 ग्राम्स ऑफ चिकन और सैलेड, या फिर मैं खाता हूँ गाइस सैलेड राइस, उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ पनीर, या फिर मैं खाता हूँ गाइस एग राइस एंड कर्ड दही. आपका जो मन करे गाइस आप वो खा सकते हैं. उसके बाद हमारा फिर स्नैक आता है गाइस, उसमें मैं खाता हूँ 1 एप्पल, या मैं प्रोटीन शेक ले लेता हूँ, या फिर मैं ऐसे करता हूँ कि बहुत सारे फ्रूट्स डाल के उसके अंदर प्रोटीन शेक डाल के मैं काइंड ऑफ स्मूदी बना लेता हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन. आपको दही खानी खानी है, दही आपने दिन में एक बार ज़रूर खानी. हमारा फिर स्नैक आता है गाइस जो कि हमारा आफ्टर लंच होता है, उसमें मैं खाता हूँ गाइस स्वीट पोटैटो या फिर नॉर्मल आलू, इज़ ओके, देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस. मैं खाता हूँ 2 to 3 आलू, मैं उनको मैशअप कर लेता हूँ दही में, ऊपर से थोड़ा सा नमक वगैरह आप डाल सकते हैं एज अ फ्लेवर. और वन मोर थिंग, नमक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना आप लेते हो उतना आपकी बॉडी ड्यूरिंग स्वेट निकाल देती है, सो ऐसा मत करना. अगर आपको पसंद है नमक खाना तो आप डेफिनेटली खाओ, इट विल ऑल्सो हेल्प यू ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स, यू विल गेट इनसेन पंप. अगर आपका सोडियम इनटेक अच्छा रहेगा, यू विल गेट गुड पंप. सो गाइज, उसके बाद मैं जाता हूँ एक्सरसाइज करने. एक्सरसाइज करने से पहले मेरी प्री वर्कआउट मील ये भी होती है, और उसके बाद मैं एक बनाना या फिर एप्पल या फिर ऑरेंज कोई भी फ्रूट मैं खाता हूँ. उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ गाइज, 1 or 1.5 आवर का मेरा वर्कआउट होता है. उसके बाद गाइज मैं लेता हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन, 1 स्पून पीनट बटर, उसके अंदर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालता हूँ, उसी के अंदर मैं थोड़े से ओट्स ऐड करता हूँ, और अगर मेरा मन करता है तो चॉकोस भी, क्योंकि मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है. उसके बाद गाइस
हम गैप देते हैं 1 to 1.5 आवर का। एंड में गाइस रात को डिनर जो मेरा होता है उसमें मैं लेता हूँ राइस, 50, 70 या 80 ग्राम्स ऑफ राइस, चिकन। अगर आप चिकन नहीं खाते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं आप पनीर ले सकते हैं, अगर आप एगिटेरियन हैं कि हाँ मैं एग्स खा लेता हूँ लेकिन और कोई चीज़ नहीं खाता तो आप एग्स ले सकते हैं। सैलेड इज़ कंपल्सरी, सैलेड आपने खाना ही खाना है, और पानी आपने बहुत पीना है गाइस। पानी अगर आप पियेंगे आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपके वर्कआउट्स के ड्यूरिंग हेल्प करेगा, आप लो फील नहीं करोगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। सो पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है आपने।